हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रोन चैनल द फाइनेंशियल लिटरेसी। मैं हूं आपकी दोस्त राधि। हम डिस्कस करेंगे कि कल के लिए हमारा क्या व्यू रहता है, प्लस में आज का जो दिन था थोड़ा सा चौपी था और साइडवेज जो था मार्केट हमें देखने को भी मिला है इसमें। और जहां से हमारी ओपनिंग होती है क्लोजिंग भी दिन है जो कंप्लीट उधर के साइड पर ही हुई है, बट आज के दिन पे भी हमें बहुत अच्छे शानदार मूवमेंट जो है वो मिल सकते थे। और वही सारी चीज आज हमने पूरा दिन सीखी, पूरा दिन डिस्कस किया टेलीग्राम पर भी। सो नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट हेयर कि अगर आप देखोगे कल के एनालिसिस में मैंने आपको बोला था कि जो वन साइडेड रैली है उसके बाद हमें एक रेसिस्टेंस एरिया मिलेगा और हम स्टार्टिंग से कैच करेंगे उस, जब भी ये रिवर्सल करेगा तो हम स्टार्टिंग से कैच करेंगे। जरूरी नहीं है कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक एम पैटर्न बने, उस एम पैटर्न के बाद ही हम कैच करें। अगर आपको ये दिखता है कि प्रीवियस डे का जो हाई है वहां से कोई भी एक रिवर्सल कैंडल बनी है तो आप वहां से एक रिवर्सल कैच कर सकते हो। सेम आज फिर निफ्टी में हुआ, मार्केट ओपन होते ही सबसे पहले हाई पर गया, उसके बाद एक रिवर्सल कैंडल, स्पिन टॉप टाइप की कैंडल और मार्केट दोबारा से डाउन। अभी हम कल के एनालिसिस पर अगर चले तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कल के एनालिसिस में कि कभी भी अगर ऐसा हो कि प्रीवियस डे का जो लो है उसको मार्केट निकाले और फिर ऊपर के साइड पर क्लोजिंग दे दे तो वो जो दिन है वो ऊपर के साइड पर ट्रेंडिंग रहने का एक चांस होता है। अगर आप आज के दिन पे देखोगे तो आज के दिन पे भी सेम ही चीज हुआ है कि जो प्रीवियस डे हाई था उसके ऊपर प्राइस जाता है, बुलिश कैंडल बनाता है, बुलिश कैंडल बनाता था, लेकिन जो क्लोजिंग है इस 5 मिनट की कैंडल की वो एज अ स्पिनिंग टॉप दे देता है, यानी रिवर्सल कैंडल बना देता है। यानी इधर के साइड पर बायर स्ट्रैप हो गए, जैसे कल इधर के साइड पर सेलर स्ट्रैप हुए थे, और जैसे ही बायर स्ट्रैप हुए तो मार्केट ने एक बहुत जोर का डाउन साइड में मूवमेंट दिया। तो जो ये ट्रैपिंग कंसेप्ट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक और ट्रैपिंग आज हुई, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर जाके देखते हो तो इतनी ज्यादा अच्छी बियरिशनेस के बाद मार्केट जो है एक तरीके से थोड़ा सा साइडवेज हुआ और थोड़ा सा ऊपर जाने लगा। पहले मैंने हमेशा आपको ये बात समझाई है कि कभी भी मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है तो हमेशा बेवकूफ बनाता है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर डाउन साइड में हमें एक मूवमेंट मिला, बट अगर आप देखोगे तो डाउन साइड का जो मूवमेंट था वो इतना शार्प नहीं था जितना ब्रेकआउट के बाद इधर डाउन साइड में मूवमेंट मिला। अगर आपने जल्दी से अपना प्रॉफिट इधर बुक नहीं किया होगा तो आपका कंप्लीट एक ही कैंडल में प्रॉफिट सारा चला गया होगा। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके, अगर हम चले टेलीग्राम ग्रुप पे और अगर जाके यहाँ पर समझे जो आज का जो भी चार्ट आपको अपडेट किए गए थे, तो वहां पर लास्ट में मैंने आपको ये बोला था कि इफ समवन इज थिंकिंग टू टेक द ट्रेड ऑन द डाउन साइड, और ये उसी वाला ट्रेड है जब पैटर्न का ब्रेकआउट होता है। दिस वीडियो वाज सो मच इंपॉर्टेंट, ये आपको जरूर देखनी चाहिए बिकॉज इसमें मैंने बेसिकली प्राइस एक्शन के बारे में बात की है। सो यहाँ पर मैंने बोला था कि प्राइस जो है वो डे लो के पास है, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड के पास है, ऊपर से प्राइस ने रिजेक्शन लिया है तो प्रोबेबिलिटी कम है। अब यहाँ पर अगर आप जाके देखोगे तो प्राइस जो है वो अपने डे लो के पास था, प्रीवियस पॉइंट स्टैंडर्ड के पास था और ऊपर से इस वाली कैंडल पर प्राइस ने रिजेक्शन लिया, इसका मतलब यहां पर वाले जोन पर बायर्स है, तो इसीलिए प्राइस यहां से कंप्लीट टर्न कर गया। आप हमेशा याद रखना, अगर कोई भी पैटर्न फेलियर होता है या कोई भी ट्रेंड फेलियर होता है तो जो भी रिवर्सल होगा ना वो रिवर्सल बहुत ज्यादा शार्प होता है। आप इधर के साइड पर पैटर्न बना तो पैटर्न डाउन साइड में आया, बट मार्केट ने क्या किया, इधर के साइड पर एक फेलियर हो गया क्योंकि डाउन स्टार्टिंग में यहां पर सपोर्ट था, तो प्राइस जो है वो कंप्लीट जब मूव किया तो वो डे हाई तक गया। अगर आप यहां पर देखोगे तो कल यहां पर एक पिनेंट पैटर्न के बारे में मैंने आपको बताया था, तो जो पिनेंट पैटर्न इधर के साइड पर बना था जब उसका ब्रेकआउट हुआ और एक पुल बैक कैंडल भी मिली, ब्रेकआउट भी हुआ हमारा यहाँ पर, तो उस टाइम पर जो है ये पैटर्न फेलियर नहीं हुआ, इसलिए फेलियर नया होने की वजह से हमें डाउन पूरा एक कंप्लीट मूव मिला। बट यहाँ पर पैटर्न फेलियर हुआ और इसलिए हमें ऊपर की साइड का ऑपोजिट रिवर्सल का ट्रेड मिला। और यहाँ पर एक और चीज भी थी कि जो पैटर्न बना वो अपना कंप्लीट जो था वो अपने डे हाई पर बन रहा था, इसलिए ब्रेकआउट के बाद एक डायरेक्ट मूव था। बट अगर आप इधर जाके देखोगे तो जो पैटर्न का ब्रेकआउट था उसके पहले हमारा डे लो ऑलरेडी बन चुका था, इसका मतलब जहां से प्राइस पहले भी टर्न हो चुका है तो उधर की साइड से दोबारा से चांसेस है कि प्राइस टर्न हो सके। तो हमेशा आपके पैटर्न कौन सी लोकेशन पर बनते हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है, तो लोकेशन इज सो मच इंपॉर्टेंट हियर। नाउ इसके अलावा ईओडी चार्ट ग्रुप था जो मैंने अभी अभी न्यू लॉन्च किया है, और यहाँ पर जाके मैंने आपको कल ही ये जो एक डॉक्यूमेंट था इसमें मैंने आपको सारी चीजें शेयर करी थी, कल का पूरा दिन जो था उसमें कंप्लीट क्या क्या पूरा मूवमेंट रहा, किस तरीके से निफ्टी फिर निफ्टी हम किस तरीके से समझ सकते थे, पूरे दिन की समरी थी ये कंप्लीट। और जैसा इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आज सेम डे और सेम प्राइस सेक्शन ऐसा होता हुआ दिखा है। सो
अभी नाउ व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर टुमारो, अगर हम कल के लिए समझते हैं और डेली टाइम फ्रेम पर जाते हैं. अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने अभी यहाँ से रिजेक्शन लिया है, और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक जो ये हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना हुआ था, तो यहाँ पर हमारा इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ये वाला लेवल आता है जहां पर हमारा नेक लाइन के आसपास वाला लेवल है. अभी कंप्लीट मार्केट जो है वो प्राइस कंप्लीट उधर तक गया है, यहाँ से ब्रेक डाउन होकर एक दोबारा से गया है प्राइस यहाँ पर. अब नाउ व्हाट इज इम्पॉर्टेंट कि अगर प्राइस इस मूवमेंट को निकाल देता है और दोबारा से हाई साइड में मूवमेंट दिखता है, तो जो ये ब्रेकआउट था ये फेलियर हो जाएगा, और उसके बाद जो पैटर्न है अगर इसका ये पूरा कॉन्टिन्यूएशन फॉलो होता है तो निफ्टी ऊपर के साइड पे बहुत अच्छा मूव देगी. बट अगर ये सिर्फ एक एन पैटर्न टाइप है कि पैटर्न का एक कॉन्टिन्यूएशन मिला फिर ऊपर के साइड और फिर डाउन साइड में मूव, तो फिर डाउन साइड में मूव शुरू हो जाएगा. तो हमारे लिए कल का दिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लोजिंग जो है वो इस नेक लाइन के ऊपर हो तो फिर हमें कंफर्मेशन मिले कि डाउन साइड का मूवमेंट खत्म, ऊपर के साइड का मूवमेंट स्टार्ट. अगर आप बैंक निफ्टी में जाके देखते हो तो सेम केस है. अब अगर हम कल के बारे में बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आप यहां पर देखोगे तो कंप्लीट जो प्राइस सेक्शन है वो इधर से टर्न कर रहा है. अगर आप यहां पर सपोर्ट देखते हो तो बहुत बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है, कल यहीं से एक बार रैली शुरू हुई थी, आज डे लो भी बना, दोबारा से डे लो बना. डे लो इतने इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह वर्क करता है. जैसे यहां पर रिजेक्शन कैंडल आई, आप जो है सी बाय कर सकते थे. तो एक कुछ ऐसी चीजें होती है जो आप मार्केट को डेली वॉच आउट करते हो, आफ्टर द मार्केट वॉच आउट करते हो, एंड ऑफ द डे वॉच आउट करते हो, तो फिर वहां पर आपको चीजें धीरे धीरे समझ आती है. दोबारा से जो प्राइस सेक्शन मिला वो ऊपर टॉप पर मिला. सो नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर टुमारो, ये कंप्लीट एक ट्रेंड लाइन की तरह बिहेव करेगा. अगर ये ट्रेंड लाइन डाउन साइड में ब्रेक होती है तो हम यहां से एक ब्रेक करते हुए यहां पर एक पी का जो पोजीशन है वो बना सकते हैं और टारगेट हमारा डेलो रहेगा. बट क्योंकि आज बहुत ज्यादा टाइम यहां पर मार्केट ने स्पेंड किया है तो ये कंसोलिडेशन एरिया नहीं है. अगर आप कल के दिन पे ट्रेड लेते हो तो आपको सिर्फ इन द मनी में लेना है, बिकॉज चौपीनेस वाले एरिया में आपको ओटीएम में कोई फायदा नहीं होने वाला है. सो इट इज ऑब्वियस. अब इसके अलावा अगर मार्केट को ऊपर के साइड पर मोमेंटम देना है तो जो आज का हाई था वो निकालना पड़ेगा विद अ प्राइस एक्शन. प्राइस एक्शन मींस अगर कल एक गैप अप हो जाता है तो उसके बाद डाउन साइड में मूवमेंट आए उसके बाद निकले, और अगर फ्लैट ओपनिंग और फिर इधर टाइम स्पेंड करके मार्केट निकले तो भी हम ऊपर के साइड के लिए बाय कर सकते हैं. बट अगर फ्लैट ओपनिंग और डाउन साइड में अगर ट्रेड मिले और ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हो तो आप एक डाउन साइड का भी मूवमेंट यहाँ पर प्लान कर सकते हो. बहुत ईजी सा प्राइस एक्शन है. प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग के बारे में कल भी वीडियो में बात हुई थी, वो सेम ही चीज आज मार्केट में रिपीट हुई है. वो सेम ही कल के लिए भी है. अगर आप निफ्टी में देखोगे तो जो हमारा आज का हाई था एंड में क्लोजिंग उसके ऊपर हुई है. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर टुमारो. और यहां पर अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेंड लाइन आपको निफ्टी में दिखेगी, और निफ्टी में ऑब्वियसली हम लास्ट डे से ट्रेंड लाइन बना सकते हैं. तो अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस एक्शन जाता है, तो हमारे लिए ये एक सपोर्ट बनेगा, देन ये एक सपोर्ट बनेगा, उसके बाद डाउन साइड में एक सपोर्ट बनेगा. याद रखना इधर के साइड पर आपको सिर्फ आईटीएम बाय करनी है, बिकॉज यहां पर एक चौपीनेस बना हुआ था मार्केट में. अगर ऊपर के साइड पर ब्रेक करना है, अगर ऊपर के साइड जाना है तो इधर के साइड पर एक कंसोलिडेशन दिख सकता है, उसके बाद ऊपर के साइड पर ब्रेक करे तो हम ट्रेड ले सकते हैं. अदरवाइज अगर गैप अप हो जाता है तो फिर यहां पर जाके हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कॉन्टिन्यूएशन का, या फिर एक रिवर्सल हम प्लान कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे आज अगर मैं ईओडी चार्ट में जाके दिखाऊं आपको, ईओडी ग्रुप पे प्रीमियम ग्रुप पे, तो यहां पर मैंने आपको ये चार्ट पैटर्न्स दिए थे. इसमें मैंने बोला था कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, ये रेसिस्टेंस होगा. अगर आप जब प्राइस एक्शन देखोगे तो जो निफ्टी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में जो आपको रेसिस्टेंस दिए गए थे प्राइस वहीं से टर्न किया, और या चार्ट मैंने ईओडी में शेयर किए थे. बट अगर आप यहां पर ग्रुप पे भी जाके देखते हो तो सुबह सुबह मैंने आपको लेवल्स दे दिए थे कि जो फिर निफ्टी है वहां पर समथिंग लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पर हमें बॉलिंजर बैंड का यूज करने के लिए भी बोला था कि फिर निफ्टी में 1950 1975 इंपॉर्टेंट है, वहां से वो टर्न कर गया. उसके बाद बोला कि बॉलिंजर बैंड का यूज करो रिवर्सल के लिए. आज पूरा जो दिन था वो कंप्लीट परफेक्ट गया एज पर जो अपना एनालिसिस था, और निफ्टी के लिए भी ये कंप्लीट डे रहेगा, और बैंक निफ्टी के बारे में बात कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको एंड ऑफ द डे चार्ट वाला ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, बिकॉज लिमिटेड ऑफर है इस टाइम पर, जो चार्ट्स को लेकर अभी लिमिटेड ऑफर चला हुआ है. अगर आप यहां पर जाके देखते हो तो अभी को सिर्फ 699 है, और अराउंड 30 मेंबर्स के लिए 699 है, उसके बाद जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी. अभी 25 मेंबर्स अभी ग्रुप में है. अगर इसके अलावा भी आपके कोई डाउट रहता है देन यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जो हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, यू कैन डायरेक्टली मैसेज टू मी. और विद दिस, अगर आपके इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो आप बात कर सकते हैं. विद दिस थैंक यू सो मच, बी प्रोफेशनल ट्रेडर एंड हैप्पी फाइनेंशियल लिटरेसी.